मैं डॉक्टर ज्ञाननाथ तिवारी, सह आचार्य एमटी विश्वविद्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश, आज आपसे विज्ञान में संप्रत्यय मानचित्रण के प्रयोग की चर्चा करूंगा। मैं इस बात में विश्वास रखता हूं कि विज्ञान शिक्षक को बहुत ही ध्यान देना होता है कि वो कैसे नवाचार करे और विभिन्न नवीन विधियों का प्रयोग इस प्रकार करे कि उसका विद्यार्थी एक ऐसे विद्यार्थी के रूप में विकसित हो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, जिसकी अभिवृत वैज्ञानिक है और जो अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में भी विज्ञान का प्रयोग करता है। अब हम बात करते हैं कि संप्रत्यय मानचित्रण क्या है, संप्रत्यय मानचित्रण की क्या गतिविधियां हैं और संप्रत्यय मानचित्रण का क्या अर्थ है और कैसे इसका प्रयोग किया जा सकता है। वास्तव में संप्रत्यय मानचित्रण विभिन्न वैज्ञानिक संकल्पनाओं को समझने में बहुत सहायक होता है। एक ऐसी विधि है जिस विधि का प्रयोग विज्ञान में बहुत होता है और इससे हम विज्ञान के जो संप्रत्यय हैं उनको आसानी से समझा सकते हैं। संप्रत्यय और संप्रत्यय मानचित्रण आपस में संबंधित है। संप्रत्यय मानचित्रण संप्रत्यय का एक मानचित्र है जिसके माध्यम से हम विज्ञान के जो विभिन्न तथ्य हैं उनको विद्यार्थियों से आसानी से समझा सकते हैं। संप्रत्यय क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। संप्रत्यय ज्ञान की प्राथमिक इकाई है। ज्ञान की विभिन्न इकाइयाँ हो सकती हैं और इसकी प्राथमिक इकाई संप्रत्यय है। यह विभिन्न विशेषताओं का सामान्यीकरण है। उदाहरण के लिए बल, ऊर्जा, वाष्पीकरण, ये सभी विज्ञान का संप्रत्यय हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। हम एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। जैसे हम जल की बात करें तो जल एक संप्रत्यय है। जल के कुछ विशेषताएं हैं जो होती हैं और जिसके आधार पे हम उनको एक श्रेणी में रखते हैं जिसका नाम हमने जल रखा। ऐसी दूसरी किसी भी वस्तु या ऐसे किसी दूसरे विचार जो कि इससे मिलता जुलता है वो एक भिन्न संप्रत्यय होगा, न कि जल। उदाहरण के लिए अगर हम तेल की बात करें तो वो जल से भिन्न होगा। तेल भी और जल भी, दोनों की जो अवस्था है वो एक जैसी होती है लेकिन दोनों का रूप, रंग, उसकी प्रकृति भिन्न होती है। हर एक भिन्न प्रकृति के आधार पे हम जब कुछ उदाहरण लेते हैं और उनका एक श्रेणी बनाते हैं और उस श्रेणी का नामकरण करते हैं तो उसे हम संप्रत्यय कहते हैं। विज्ञान में बहुत से संप्रत्यय हैं जिनका हमें अध्ययन करना होता है और इनका अध्यापन और अध्ययन करने के लिए संप्रत्यय मानचित्रण एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। हमने ये पाया है कि प्राथमिक स्तर पर कुल 9 वैज्ञानिक संप्रत्यय हैं जिनसे विज्ञान का प्रादुर्भाव विद्यार्थियों में होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होते हैं। कौन कौन से वो संप्रत्यय हैं जिनका हम अध्ययन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, वो 9। प्रथम संप्रत्यय है संगठन। वास्तव में विज्ञान में हम बहुत सारी जो वैज्ञानिक संकल्पनाएं हैं उनको संगठित करते हैं, उनको क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक विज्ञान का विद्यार्थी इस क्षमता को विकसित कर लेता है कि वो विभिन्न संकल्पनाओं को, विभिन्न गतिविधियों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में अध्ययन करे। दूसरा, कारण एवं प्रभाव। हम एक विज्ञान के विद्यार्थी और विज्ञान के शिक्षक के रूप में ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो कुछ भी हमें दिख रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि कारण और प्रभाव आपस में अंतर संबंधित होते हैं। एक विज्ञान का विद्यार्थी जब यह जानने का प्रयास करता है कि उस गतिविधि के पीछे क्या कारण है और उसके प्रभाव को समझने का प्रयास करता है तो वो सच्चे अर्थों में विज्ञान का विद्यार्थी बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि बारिश हो रही है तो बारिश का जो संप्रत्यय है उसके पीछे कौन से कारण हैं, वाष्पीकरण है या और संघनन है, क्या वैज्ञानिक प्रत्यय जुड़े हुए हैं जिसका प्रभाव बारिश के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, ये कारण एवं प्रभाव का संप्रत्यय है। तीसरा है तंत्र, जिसे हम अंग्रेजी में सिस्टम कहते हैं। विज्ञान में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई जो तंत्र है वो उसमें कौन कौन से अंग हैं। उदाहरण के लिए अदा, प्रदा और प्रक्रिया, ये 3 अंग होते हैं। हर एक गतिविधि के पहले कुछ सामग्री होती है और फिर हम वो क्रियाकलाप करते हैं, तत्पश्चात हमें कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं। ये एक तंत्र है जिसका अध्ययन हम विज्ञान शिक्षक और विज्ञान विद्यार्थी के रूप में करते हैं।
चौथा जो संप्रत्यय है वैज्ञानिक और जो कि प्राथमिक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है वो है प्रतिमान या मॉडल्स। हम एक शिक्षक के रूप में जब भी कोई विज्ञान का जो भी ज्ञान दे रहे होते हैं, जिस प्रत्यय के ज्ञान दे रहे होते हैं, उसको समझाने के लिए हम विभिन्न प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न मॉडल्स का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम ये बताना चाहते हैं कि जल चक्र क्या है और ये बताना चाहते हैं कि जो वर्षा में जल आता है उसको हम कैसे कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, कैसा उसका भविष्य में प्रयोग कर सकते हैं, तो हम एक मॉडल बना सकते हैं जो विद्यार्थियों को दिखाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम कोई पौधा लाके दिखाएं और उस पौधे के जो विभिन्न अंग को समझाते हुए, चाहे वो पत्तियों की बात हो, चाहे तने की बात हो, चाहे वो फूल की बात हो, इनको समझाते हुए हम अगर वो पौधा दिखाएं तो वो पौधा भी एक प्रतिमान या एक मॉडल है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को समझाया जा सकता है। उसके बाद स्केल या स्तर की बात करते हैं। हमें ये देखना होता है कि जो विज्ञान का विद्यार्थी है वह जो प्रत्यय है वो किस प्रकार का प्रत्यय का अध्ययन किस स्तर पर कर रहा है, और इसका ध्यान में रखते हुए हम उसको विज्ञान की जानकारी देते हैं, विज्ञान के संप्रत्ययों को समझाते हैं। हर एक जो भी वस्तु होती है उसके पीछे उसकी संरचना क्या है और उसका कार्य क्या है, ये भी एक वैज्ञानिक संप्रत्यय है जिसे हम प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को समझाते हैं। एक उदाहरण लें, जैसे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, हर एक अंग की एक संरचना है और उस संरचना का क्या प्रारूप है वो हम विद्यार्थियों को समझा सकते हैं चित्रों के माध्यम से या मॉडल्स के माध्यम से। साथ में ही उस जो संरचना है उसका कार्य क्या है, अगर हमारी आँख नेत्र हैं उनकी संरचना हमें पता है तो उस जो नेत्र है उसका कार्य क्या है, हमारे जो कान हैं उसका कार्य क्या है, हमारा जो हाथ है उसका कार्य क्या है। तो इसी प्रकार से विभिन्न जो हमारे चाहे शरीर हो या कोई वस्तु हो, विज्ञान के जो विभिन्न संबंधित गतिविधियां, विभिन्न संबंधित विचार, विभिन्न संबंधित वस्तुएं हैं, उन सब की संरचना और उनके कार्य के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। फिर हम बात करते हैं जो सातवां संप्रत्यय है जिसका अध्ययन आवश्यक होता है, वो है परिवर्तन। क्योंकि हर एक जो संप्रत्यय है, हर एक जो वैज्ञानिक संप्रत्यय है, उसमें बदलाव होता रहता है। उदाहरण के लिए अलग अलग जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग समय में अलग अलग आयु वर्ग में होते हैं। इसी तरह से जो पौधा है अगर हम उसकी बात करें तो अलग अलग समय पर अलग अलग स्थिति में होता है, और ऐसे ही फूल है वो अलग अलग समय में अलग अलग स्थिति में होता है। तो ये जो बदलाव है, या आप मौसम की बात कर ले, मौसम में भी अलग अलग समय में अलग तरह के मौसम होते हैं, ये जो बदलाव है ये भी एक वैज्ञानिक संप्रत्यय है जिसका अध्ययन एक विज्ञान के विद्यार्थी को करना होता है, और एक शिक्षक के रूप में आप उसको अच्छी तरह से ये प्रत्यय बताने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और हम बात करते हैं चर की या वेरिएशन की, जिस तरह से बदलाव होते हैं उनकी भी अध्ययन और अध्यापन वैज्ञानिक संप्रत्यय के रूप में होता है। और एक जो नौवां वैज्ञानिक संप्रत्यय है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसकी चर्चा अवश्य करेंगे, वो है विविधता। विविधता जिसको अंग्रेजी में हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। जब एक उद्यान की बात करें तो एक उद्यान में विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं, तो ये जो पौधे हैं उनकी जो विविधता है वो आपस में कैसे एक दूसरे के लिए सहायक होती है और कैसे एक तंत्र को बनाती है जिससे एक जो वस्तु है, एक जो इकाई है, वो दूसरी इकाई से जुड़ी हुई है, और कैसे आपस में जुड़ी हुई, उनके बीच में क्या सहसंबंध है, ये हम विविधता में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार जो जीव जंतु हैं उनमें भी जो विविधता पाई जाती है, उनमें विभिन्न प्रकार के जो सहसंबंध होते हैं उसका अध्ययन भी हम करते हैं। तो एक विज्ञान शिक्षक रूप में आवश्यक है कि आप ये जो नौ वैज्ञानिक संप्रत्यय हैं उनका अध्यापन करेंगे और इस बात का प्रयास करेंगे कि उनमें ये सारी चीज़ें विकसित हों। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो भी आपने चित्र देखा वो भी एक प्रकार का संप्रत्यय मानचित्रण था। अब बात उठती है कि संप्रत्यय मानचित्रण क्या है। संप्रत्यय का की जो संकल्पना है वो आप समझ गए। संप्रत्यय मानचित्रण की हम बात करेंगे। एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं आसुबेल, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम कहते हैं अर्थपूर्ण अधिगम सिद्धांत, मीनिंगफुल लर्निंग थ्योरी। ये सिद्धांत इस संप्रत्यय मानचित्रण की जो विधि है उसका आधार है, और संप्रत्यय मानचित्रण का जो पूर्ण विकास है वो
वो जोसेफ डी नोवाक ने 1960 में किया था। ये जो विचार है वो इतना महत्वपूर्ण है और बाद में इतना अधिक प्रयोग किया गया कि जो भी विज्ञान के शिक्षक थे उन सभी ने प्रयास किया कि हम इसका प्रयोग करें। और मैं आपसे भी ये चाहूँगा कि एक विज्ञान के शिक्षक के रूप में ये प्रयास करें कि आप अपने विभिन्न जो वैज्ञानिक संप्रत्यय हैं उनको संप्रत्यय मानचित्रण के माध्यम से पढ़ाएं। अब इसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है और हम ये क्यों करते हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। वास्तव में हमारा जो मस्तिष्क है वो बोली जाने वाली सूचनाओं की तुलना में जो सूचनाएं चित्र के माध्यम से मिलती हैं, जो हम देखते हैं, वो उसके माध्यम से हम ज़्यादा अधिक आसानी से समझ पाते हैं। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य ये है कि मस्तिष्क और उस तक पहुंचने वाली जो सूचनाएं हैं उसको हम अर्थपूर्ण तरीके से पहुंचाएं, क्योंकि सूचनाओं का जो चित्रीय निरूपण है उससे मस्तिष्क को वो सूचनाएं समझने में आसानी होती है। एक शिक्षक के रूप में आप बहुत सारी बातें अपने विद्यार्थियों से करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, लेकिन आप जो बातें करते हैं उससे ज़्यादा प्रभाव उस चीज़ का पड़ता है जो वो देखते हैं। कोई गतिविधि हो, कोई मॉडल हो या कोई चित्रीय निरूपण हो, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव मस्तिष्क पर अधिक पड़ता है इसकी तुलना में हम कि हम सिर्फ उनसे बातचीत करें। तो इसीलिए संप्रत्यय मानचित्रण का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको कैसे अर्थपूर्ण बनाएं, कैसे उनको सरल बनाएं और कैसे उन तक सूचनाएं पहुंचाना अधिक संभव हो पाएगा और हमारा जो अधिगम उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। अब संप्रत्यय मानचित्रण का अर्थ क्या है? बहुत सारे संप्रत्यय हैं जिनका हम अध्ययन करना है और एक वास्तविकता है कि हर संप्रत्यय दूसरे संप्रत्यय से जुड़ा हुआ है। तो ये जो संप्रत्यय मानचित्रण है वो विभिन्न संप्रत्ययों के मध्य पाए जाने वाले संबंध का चित्रीय निरूपण है। अलग अलग संप्रत्ययों को अगर हम आपस में संबंधित करने का प्रयास करें तो देखेंगे कि उनमें एक सह संबंध है और उस संबंध का जब हम निरूपण करते हैं वही संप्रत्यय मानचित्रण है। तो वास्तव में यह एक तकनीक है जिसमें हम सूचनाओं और विचारों को अर्थपूर्ण तरीके से संगठित करते हैं। तो संप्रत्यय मानचित्रण का अर्थ आप समझ गए होंगे। इसके दो प्रमुख भाग होते हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। एक तो नोड या बॉक्स, जिसे हम एक गोलाकृति या अंडाकृति बनाएंगे और उस आकृति को हम नोड या बॉक्स अंग्रेजी में कहते हैं। और ये जो आकृति होती है इसमें हम विभिन्न संप्रत्ययों को निरूपित करते हैं। हर एक आकृति, चाहे वो गोलाकार हो, चाहे वो अंडाकार हो, चाहे वो चौकोर हो, चाहे वर्ग के रूप में हो, हम किसी भी रूप में आकृति बना सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं और उसके अंदर हम उस संप्रत्यय को लिखते हैं, उसको निरूपित करते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। और इसी प्रकार से जितने भी संप्रत्यय हैं वो हम सब एक साथ रखते हैं और आपस में उनके संपर्क रेखा से उन संप्रत्ययों को जोड़ते हैं। ये जो संपर्क रेखाएं हैं वो विभिन्न संप्रत्ययों के मध्य जो संबंध है उसको समझाती हैं, जबकि ये जो गोलाकृति या चौकोर आकृति या नोड या बॉक्स है उस वो विभिन्न संप्रत्ययों को निरूपित करता है। अब एक इसके चरण क्या हैं, हम कौन कौन से इसमें चरण होंगे जिसका हम प्रयोग करेंगे और उसके माध्यम से हम संप्रत्यय मानचित्रण कर पाएंगे, ये एक विज्ञान शिक्षक रूप में आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला जो चरण है जो आपको करना होता है वो है उन संप्रत्ययों की पहचान करना जिन्हें आप अपने मानचित्र में सम्मिलित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप बात करें कि जल के विभिन्न अवस्थाएँ अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो जल है, वाष्प है या बर्फ है, ये जो अवस्थाएं हैं उनको आप अलग अलग पहचान कर लेंगे कि कौन से ऐसे संप्रत्यय हैं जिनको हम आपस में जोड़कर और समझाएंगे। दूसरा, इन संप्रत्ययों को क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करना। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी किसी संप्रत्यय को रख देंगे, हर संप्रत्यय को एक निश्चित क्रम में रखेंगे और उन जो वो जो क्रम है उस क्रम को ध्यान में रखते हुए आप उनको व्यवस्थित करेंगे। हर एक बॉक्स, चाहे वो गोलाकार हो, चाहे अंडाकार हो, चाहे वो चौकोर आकृति का हो, उसमें संप्रत्यय को लिखना होता है। और फिर जिस क्रम में हमने उन संप्रत्ययों को व्यवस्थित किया है उस क्रम में उनमें हम तीर की आकृति की एक सरल रेखा बनाते हैं और उस संबंध को निरूपित करते हैं। ये जो रेखाएँ हैं ये बताती हैं कि एक संप्रत्यय से दूसरे संप्रत्यय का संबंध क्या है, और हर एक रेखा पर एक शब्द या लघु वाक्य लिख देते हैं
जिससे ये पता लगे कि जो दो संप्रत्यय हैं उनके बीच में किस प्रकार का संबंध है। अब हम बात करेंगे उदाहरण की कि इनको कैसे समझा जा सकता है। एक उदाहरण लेते हैं, जो पानी है, मैंने अभी आज चर्चा की आपसे कि पानी के जो विभिन्न रूप होते हैं उनकी अवस्थाएं क्या होती हैं, उनका एक हमने एक आपके पुस्तकों में भी इस तरह के संप्रत्यय मानचित्र बने होंगे, आप इस संप्रत्यय मानचित्र को देखें और समझें कि कैसे आपने संप्रत्यय निर्माण किया, ताकि विद्यार्थी को यह संप्रत्यय समझ में आ जाए। मैं बात करता हूँ पानी की। पानी के आगे एक तीर लगा हुआ है जहाँ पे दूसरा संप्रत्यय है अणुओं, तीसरा संप्रत्यय लिखा है परमाणु, चौथा संप्रत्यय लिखा है गर्म ऊर्जा, पांचवा संप्रत्यय लिखा है अवस्थाएँ, छठा ठोस, सातवां द्रव्य, आठवां गैस, नौवां बर्फ और दसवां भाप। ये सारे संप्रत्यय हमने पहले पहचान किए कि ये संप्रत्यय हैं जो हमें समझाने की आवश्यकता है, और हर एक संप्रत्यय को क्रमबद्ध रूप में लिखा। आप देख रहे हैं कि जो पानी है वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे वाले स्तर पे अणु और अवस्थाएं लिखी हुई हैं, उसके नीचे स्तर पे परमाणु, ठोस, द्रव्य, गैस लिखा हुआ है, बीच में गर्म ऊर्जा लिखा हुआ, और सबसे निचले स्तर पे बर्फ और भाप है। तो आप एक विज्ञान शिक्षक के रूप में ये आवश्यक है कि आप इस तरह से इसको क्रमबद्ध करें। आप ये भी देखिए कि पानी और अणु के बीच में हमने एक तीर लगाया हुआ है। ये जो तीर है, ये तीर बताता है कि पानी अणुओं से बना हुआ है। तो हमने एक जो संप्रत्यय है वहाँ पे पानी लिखा, दूसरे में अणुओं से लिखा, और बीच में तीर लगाया और उस पर लिखा बना होता है। इसी तरह से अणु जो है वो परमाणुओं से बने होते हैं, तो उसके लिए हमने अलग तीर बनाया और उनको निरूपित किया। फिर ये जो अणु हैं और जो परमाणु हैं, इनमें ऊर्जा होती है, और इस ऊर्जा के कारण ये अपनी विभिन्न अवस्थाएं बदलती है, इसलिए हमने गर्म ऊर्जा से एक तीर का निशान अवस्थाएं तक लगाया। इस चित्र को आप पुनः देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये किस तरह से जुड़ा हुआ है। अब ये जो अवस्थाएं हैं, आपको पता है कि जल की तीन अवस्थाएं हैं, और इन अवस्थाओं में ठोस, द्रव्य और गैस, ये तीन अवस्थाएँ होती हैं। उदाहरण के लिए ठोस का आपने उदाहरण दिया है बर्फ, और गैस का उदाहरण दिया है हमने वाष्प या भाप। इसी तरह से जो द्रव्य है उसका उदाहरण पानी स्वयं है। तो ये एक संप्रत्यय मानचित्र का एक उदाहरण है। आप एक विज्ञान शिक्षक के रूप में, अगर आपको ये एक उदाहरण है, इसी तरह से आप विभिन्न जो प्रत्यय होते हैं उनके माध्यम से आप आसानी से अपने प्रत्यय को विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं। एक और उदाहरण से हम लेके समझने की कोशिश करते हैं। जो भी वायुमंडल है, उस वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। आप इस चित्र को देखिए, और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सूर्य से जो पौधे हैं वो हरे पौधे उत्पादक होते हैं, वो ऊर्जा लेते हैं। हरे पौधों से जो प्रथम उपभोक्ता है, जो कि शाकाहारी होता है, जैसे हिरण या जो ऐसे बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, वो इनसे ऊर्जा लेते हैं, और उनसे फिर द्वितीय उपभोक्ता ऊर्जा लेता है जो कि मांसाहारी होता है। अब ये जो है हरे पौधे पे का जो विकास है, वायुमंडल और मिट्टी और जो अपघटक हैं उन पर निर्भर करता है, और ये सारी चीज़ें आपस में अंतर संबंधित हैं। तो ये भी एक उदाहरण है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि संप्रत्यय का मानचित्रण कैसे किया जाता है। एक शिक्षक के रूप में आप आसानी से इस तरह के चित्र आपके पुस्तकों में भी उपलब्ध होगा, नहीं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी संप्रत्यय को समझाने के लिए संप्रत्यय मानचित्रण का प्रयोग करें, और ये जो मानचित्र है, ये मानचित्र उनको, विद्यार्थियों को किसी भी तथ्य को आसानी से समझाने में सहायक होता है, और इसमें समय की भी बचत होती है, और साथ ही साथ इसके माध्यम से आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझा सकते हैं। जो तीर के निशान होते हैं, जो चौकोर, गोलाकार या अंडाकार जो आकृतियाँ होती हैं जिसमें संप्रत्यय लिखे होते हैं, तो वो सभी जो है वो स्वयं में ही अपने आप को व्याख्या कर देते हैं, और विद्यार्थी देख के ही समझ जाता है कि इन जो संप्रत्यय है इनके बीच में क्या संबंध है। ये चीज़ें मस्तिष्क में गहराई तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समझाने के लिए आवश्यकता नहीं होती, और एक शिक्षक के रूप में भी आप आसानी से अपनी बात समझा सकते हैं। आप चाहें तो एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं। ये एक उदाहरण है जहाँ पे हम जो जल चक्र है उसकी चर्चा करते हैं कि कैसे जो पानी है वो भाप बनता है, और भाप पुनः संघनित होकर जो है वो जल बनता है, और इस तरह से
इस तरह से आप संप्रत्यय निर्माण की इस प्रक्रिया को संप्रत्यय मानचित्रण के माध्यम से समझा सकते हैं। तो आज हमने जो भी चर्चाएं की उसमें एक चीज़ समझ में आपको आ जाएगी कि आप कभी भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि विज्ञान शिक्षक केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं देना चाहता, विज्ञान शिक्षक एक व्यवहारिक ज्ञान देना चाहता है और विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य अभिवृत्ति में बदलाव करना और अब सोचने के तरीके में बदलाव करना भी है। तो जब भी हम कोई भी संप्रत्यय वैज्ञानिक संप्रत्यय जो समझाते हैं उसके लिए हमें संप्रत्यय मानचित्रण का प्रयोग करना चाहिए। हमने जो चर्चा की अपने प्रारंभ की थी उसमें हमने ये बात की थी कि 9 प्रकार के जो वैज्ञानिक संप्रत्यय हैं जो एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को समझाता है और उनका प्रयोग करता है अपनी योजना में, उन सभी 9 प्रकार के जो संप्रत्यय हैं उनका प्रस्तुतिकरण अत्यंत आवश्यक है। और हम जब भी योजनाएं बनाते हैं तो ये ध्यान रखें कि ये सारी चीज़ें उसमें कराएं। साथ ही साथ हमने संप्रत्यय की संकल्पना को भी समझा, ये समझा कि जो बहुत सारे उसकी प्रकार हैं उनके उदाहरण भी हमने लिए। मैंने जल का एक उदाहरण लिया, बल और कार्य ऊर्जा, ये सारे संप्रत्यय के उदाहरण हैं। साथ में हमने ये भी समझा कि किस प्रकार विभिन्न संप्रत्ययों को समझाने के लिए हम संप्रत्यय मानचित्रण का प्रयोग कर सकते हैं। संप्रत्यय मानचित्रण एक चित्रीय निरूपण है जो कि हमें इस बात के लिए सहायता करता है कि विद्यार्थी के मस्तिष्क में वो संप्रत्यय आसानी से बैठ जाए और उसका प्रयोग कर सके। इसके साथ ही हमने उदाहरण से भी समझा कि जिसमें हमने बहुत सारे संप्रत्यय मानचित्रण देखे, जैसे जल की विभिन्न अवस्थाएँ थीं, द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं पर चर्चा की, हमने देखा कि किस प्रकार से जो उत्पादक है और प्रथम उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता कैसे आपस में सहसंबंधित होते हैं, और हमने जल चक्र के भी उदाहरण से संप्रत्यय मानचित्रण को समझा। आशा है कि आप पूरी तरह से इस जो संप्रत्यय की संकल्पना है उसको समझ गए होंगे और संप्रत्यय मानचित्रण की संकल्पना को भी समझ गए होंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने शिक्षण कार्य के दौरान इस प्रकार के संप्रत्यय मानचित्र बनाएंगे और विद्यार्थियों पर इसका प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।